हे एवरीवन, मैं हूँ रुचि। डू इट विद रुचि में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगी पनीर भुर्जी बनाना। इसको बनाने में मुश्किल से 10 से 15 मिनट का समय लगता है और ये बन जाती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर एक बार ट्राई करें। तो चलिए आइए फिर देख लेते हैं कैसे बनती है ये पनीर भुर्जी। तो पनीर भुर्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन रख दिया है गैस पर, और इसमें मैंने 2 बड़े चम्मच ऑयल डाल दिया है। तो ऑयल हमारा गर्म हो गया है, तो मैंने इसमें 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है। तो जीरा भी भुन गया है। तो इसमें मैंने 2 हरी मिर्च हैं जो कि मैंने बारीक कट कर ली थी, वो डाल दी हैं। हरी मिर्च को भी हल्का सा भून लेंगे। और यहाँ पर मैंने 2 प्याज लिए हैं, स्मॉल साइज़ के प्याज लिए थे, इनको बारीक कट कर लिया है। तो मैंने प्याज भी डाल दिया है और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे, हल्का सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। हम तब तक इसको मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे प्याज को। तो प्याज हमारा भुन गया है, इसका कलर चेंज हो गया है। तो मैंने यहाँ पर 2 मीडियम साइज के टमाटर लिए थे, इनको भी मैंने ग्रेट कर लिया है, प्यूरी बना ली है टमाटर की, तो मैंने वो डाल दी है। और इसको भी अब हम लो फ्लेम पे 2 मिनट तक भून लेंगे। तो मुझे 2 मिनट के करीब हो गए हैं, तो टमाटर भी हमारा भुन गया है। तो अब इसमें हम मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पर ये लाल मिर्च का पाउडर लिया है, तो इसमें 1/2 टीस्पून में लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। हल्दी पाउडर भी 1/2 टीस्पून डालेंगे और धनिया पाउडर डालेंगे हम 1 टीस्पून। तो इसमें बहुत ज़्यादा मसाले डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये हल्के मसाले ही डालो इसमें, तब भी ये काफ़ी टेस्टी लगती है। तो मसालों को हम लो फ्लेम पे भून लेंगे 1 से 2 मिनट। तो मसाले हमारे भुन गए हैं, अब इसमें हम पनीर ऐड करेंगे। तो पनीर मैंने ग्रेट करके रख लिया था, ये 100 ग्राम पनीर है, इसको मैंने ग्रेट कर लिया है। तो हम पनीर डाल देंगे इसमें और पनीर को हम मिक्स कर देंगे, अच्छे से चला देंगे। गैस का फ्लेम हम इस टाइम पे लो रख लेंगे। तो अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे, अभी तक हमने इसमें नमक ऐड नहीं करा था। तो मैं यहाँ पर 1/2 टीस्पून नमक डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो अब हम नमक को मिक्स कर देंगे और बस हमें 2 से 3 मिनट ही इसको चलाना भूनना है, बहुत ज़्यादा इसको हमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारी जो पनीर भुर्जी थी वो बन करके बिल्कुल तैयार है। अब धनिया पत्ती से इसको गार्निश कर देंगे और पनीर भुर्जी हमारी टेस्टी सी यम्मी सी बन करके बिल्कुल तैयार है। आप पनीर भुर्जी को पूड़ी, पराठा या फिर रोटी किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। बाय, थैंक यू।